आईपीएल के 13वें सीजन का 19वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज दुबई में खेला जाएगा। पिछले मैच में सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 228 रन बनाने वाली दिल्ली के सामने विराट कोहली एंड ब्रिगेट की बड़ी चुनौती रहेगी। बेंगलुरु के पास सीजन में जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। जो टीम यह मैच जीतेगी वह पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच जाएगी। बेंगलुरु के खिलाफ दिल्ली का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। पिछले 17 मैच की बात करें तो दिल्ली सिर्फ 3 बार ही बेंगलुरु को हरा पाई है। उनमें से दिल्ली ने 2 मैच तो पिछले सीजन में ही जीते हैं। आईपीएल के इस सीजन में दिल्ली और बेंगलुरु ने 4 में से 3-3 मैच जीते हैं। दिल्ली ने अपने पिछले मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स और बेंगलुरु ने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। सीजन में बेंगलुरु और दिल्ली दोनों ने एक एक सुपर ओवर खेला और जीता है। दिल्ली ने किंग्स इलेवन पंजाब और बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हराया था। दोनों ही सुपर ओवर दुबई में ही खेले गए थे। आरसीबी में कप्तान विराट कोहली सबसे महंगे खिलाड़ी। टीम उन्हें एक सीजन के 17 करोड़ रुपए देगी। उनके बाद टीम में एवी डिविलियर्स का नाम है, जिन्हें इस सीजन में 11 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं दिल्ली में ऋषभ पंत 15 करोड़। एवी डिविलियर्स भी अच्छा परफॉर्म में चल रहे हैं। वहीं कप्तान विराट कोहली ने भी पिछले मैच शानदार 72 रन की नाबाद पारी खेली थी। ऐसे में इस मैच में भी इन्हीं तीनों पर टीम की बल्लेबाजी का जिम्मा होगा। दिल्ली के ओपनर पृथ्वी शॉ शानदार फॉर्म में है। ऋषभ पंत के बल्ले से भी रन निकल रहे हैं। वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिछले मुकाबले में ताबड़तोड़ 88 रन की पारी खेली थी। अगर तीनों का बल्ला चला तो दिल्ली के लिए जीत आसान हो सकती है। दिल्ली अकेली ऐसी टीम है जो अब तक फाइनल नहीं खेल सकी है। हालांकि दिल्ली टूर्नामेंट के शुरुआती 2 सीजन में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। वही आरसीबी ने 2009 में अनिल कुंबले और 2011 में डेनियल बिटोरी की कप्तानी में फाइनल खेला था। 2016 में विराट की कप्तानी में भी टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन हर बार टीम को हार ही मिली। लीग में आरसीबी का सक्सेस रेट 47.79% और वहीं दिल्ली का सक्सेस रेट 44.41% है। बेंगलुरु ने अब तक कुल 185 मैच खेले हैं। 87 में उसे जीत मिली, जबकि 94 में उसे हार का सामना करना पड़ा। 4 मैच बेनतीजा रहे। वही दिल्ली ने अब तक कुल 181 मैच खेले हैं। 80 में उसे जीत मिली और 99 में उसे हार का सामना करना पड़ा। 2 मैच बेनतीजा रहे। इंस्टाफीड।